बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी विद हमजा रमज़ान। लेट्स टॉक अबाउट केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होती है, किस तरह से हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और हार्मोन्स का क्या क्या फंक्शन होता है, और एमडी कैट के एमसीक्यूज की अगर बात करें तो किस तरह के एमसीक्यूज जो बनते हैं। तो जिस तरह नर्वस कोऑर्डिनेशन है हमारी बॉडी में, उसी तरह केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होती है। डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, वो भी केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं, वो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम करते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डिफरेंस ये होता है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स, इनके अंदर नालियां नहीं होती। ये बेसिकली अपना हार्मोन बनाकर डायरेक्ट ब्लड के अंदर डाल देते हैं, फिर ब्लड जो है उनको पूरी बॉडी में लेके जाता है जहां पे उन्होंने टारगेट साइट के ऊपर जाके काम करना होता है। अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात की जाए, जैसे लिवर है वो बाइल प्रोड्यूस करता है, और उसको बाइल डक्ट के जरिए हमारी जो गट है गट तक पहुंचाया जाता है। तो ये वाले जो ग्लैंड्स हैं दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स, और इन्होंने हॉर्मोन्स को सिक्रीट करना है जो कि केमिकल मैसेंजर का काम करेंगे। हमारी पूरी की पूरी बॉडी में तकरीबन 20 डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं जो कि डिफरेंट हॉर्मोन्स को सिक्रीट आउट कर रहे होते हैं। अगर आप हॉर्मोन्स की बात करते हैं तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि केमिकल मैसेंजर का काम करेंगे। केमिकल मैसेंजर से ये चीज़ हमें वाजह हो जाती है, जैसा न्यूरॉन्स हैं उन्होंने इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। जो हॉर्मोन्स हैं वो केमिकल्स हैं, वो ब्लड में जब जाते हैं तो फिर केमिकल फॉर्म में मैसेज को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। दे आर पोर्ड इन टू द ब्लड एंड टेकन टू द साइट ऑफ एक्शन। ये वो जगह है जहाँ पे उन्होंने जाके, जहाँ पे उनका रिसेप्टर लगा हुआ होगा, जहाँ पे जाके उन्होंने कोई ना कोई जो काम है वो करना है। इन्होंने कोई भी नया रिएक्शन शुरू नहीं करना जो कि हमारी बॉडी में हो नहीं रहा ऑलरेडी, या फिर उन्होंने किसी रिएक्शन को खत्म नहीं कर देना, बल्कि सिर्फ चीजों को रेगुलेट करना है। या तो ये अप रेगुलेट करेंगे, चीजों को एक्साइट करेंगे, या फिर डाउन रेगुलेट करेंगे, थोड़ा सा इनहिबिट करेंगे। ना तो ये मुकम्मल तौर पर नए रिएक्शन को खत्म शुरू करते हैं, ना ही एक चीज को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देते हैं। दे मे स्टिम्युलेट और इनहिबिट, दैट्स इट। दे मे ऑल्सो कंट्रोल लॉन्ग टर्म चेंजेस, जैसे कि सेक्शुअल मेच्योरिटी एक लॉन्ग टर्म चेंज है। जब एक दफा हो जाती है तो फिर वो सारी जिंदगी चलती रहती है। जो ग्रोथ है एक लॉन्ग टर्म चेंज है। अब लॉन्ग टर्म चेंज में और शॉर्ट टर्म चेंज में क्या फर्क है, अगर हम एक हार्मोन की बात करें एड्रिनालिन, वो थोड़ी देर के लिए हमारी बॉडी को हाइपर एक्टिवेट कर देता है, ठीक है, तो वो एक शॉर्ट टर्म चेंज है। जो लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं इन्होंने हमारी बॉडी की ग्रोथ करवानी है। ग्रोथ एक लॉन्ग टर्म चेंज है जो सारी जिंदगी फिर रिवर्स नहीं होती, वो वैसे की वैसे चलती रहती है। तो अगर हम हॉर्मोन्स की क्लासेस की बात करें, टाइप्स की बात करें कि किस तरह के मॉलिक्यूल्स हॉर्मोन बनाते हैं, तो चार अलग अलग हमारे पास इसकी जो टाइप्स है ना, वो एमसीक्यूज में आती हैं। अमाइन हॉर्मोन सिंपल अमीनो एसिड के अगर हम फंक्शनल ग्रुप्स को मॉडिफाई कर दें तो दोस अमीनो एसिड्स कैन बी यूज एज हॉर्मोन्स। एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन इसकी एग्जाम्पल्स हैं। पेप्टाइड हॉर्मोन जो है वो शॉर्ट चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है, छोटी छोटी चेंज होंगी अगर अमीनो एसिड्स की, वो हार्मोन के तौर पे काम कर रही होंगी। जैसे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये एक न्यूरो सिक्रेटरी हार्मोन है, न्यूरो हार्मोन है जो कि हमारे हाइपोथैलेमस में से निकलता है। दिस इज अ पेप्टाइड हार्मोन। अगर मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में मिलकर एक हार्मोन का काम कर रही हैं तो दे विल बी कॉल्ड प्रोटीन हार्मोन, जैसे कि सोमैटोट्रोफिन हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन। ये वो हार्मोन है जो कि प्रोटीन होता है नेचर के अंदर, इसका भी आपको एमसीक्यू जो है वो पूछा जाता है। और स्टीरॉयड हार्मोन जो कि लिपिड के डेरिवेटिव हार्मोन्स हैं, कोलेस्ट्रॉल से डिराइव किए जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स हैं। तो ये हार्मोन्स जो हैं ये लिपिड डेरिवेटिव हार्मोन्स हैं, इनको हम स्टीरॉयड हार्मोन्स का नाम देते हैं। तो ये चार अलग अलग टाइप्स होती हैं मॉलिक्यूल्स की जो कि हार्मोन बना रहे होते हैं। अगर हम इनके एमसीक्यूज की बात करें तो केमिकली हार्मोन्स जो हैं क्या वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, नहीं वो कार्बोहाइड्रेट्स तो बिल्कुल नहीं होते। या वो प्रोटीन होते हैं, बिल्कुल प्रोटीन हो सकते हैं, स्टीरॉइड्स भी हो सकते हैं। तो बोथ बी एंड सी विल बी द आंसर। अब अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की ओवरऑल बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास हाइपोथैलेमस आता है। हाइपोथैलेमस जो है ये है तो ब्रेन का पार्ट, इसमें तो कोई शक नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। इसने हमारी बॉडी में होने वाले तमाम हॉर्मोनल रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल करना है, जो कोई भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आएगी उसको कन्वर्ट करना है हॉर्मोनल रिस्पॉन्सेज में। इसने दो हार्मोन प्रोड्यूस करने होते हैं, एक हमारे पास ऑक्सीटोसिन है, दूसरा एडीएच है। ये दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं और नीचे जो पिच्यूटरी ग्लैंड है, इस पिच्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब में आके स्टोर हो जाते हैं। और जब कभी भी नर्व इंपल्स आएगी, नर्वस स्टिमुलस आएगा तो उन हॉर्मोन्स को रिलीज कर दिया जाएगा। हाइपोथैलेमस के बारे में एक दो चीजें मजीद जान लेते हैं। जिस तरह किसी भी कंपनी का कोई सीईओ होता है,
ठीक है, जिसने खुद कोई काम बेसिकली तो नहीं करना जो लेबर वर्क होगा या जो वर्कर्स ने काम करना है, सीईओ खुद तो काम नहीं करेगा लेकिन इसने बेसिकली मॉनिटर जरूर करना है चीजों को और इसने रेगुलेट जरूर करना है। अब ये चीज मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, आपने समझ लेना है कि हमारी जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसका सीईओ हाइपोथैलेमस है। इसने देखना है हमारी बॉडी में कोई भी हार्मोन अगर कम प्रोड्यूस हो रहा होगा, ये फौरन से पिचूटरी ग्लैंड को कहेगा कि फलां ग्लैंड से उसका हार्मोन बनवाना स्टार्ट करो। ठीक है, तो सीईओ डायरेक्ट वर्कर से भी बात नहीं करता, वो दरमियान में मैनेजर से बात करेगा, मैनेजर ने आके वर्कर से बात करना है। तो ये जो हमारे पास एक हायरार्की है, ये हायरार्की हमें बार बार देखने को मिलेगी। अगर थायराइड ग्लैंड के किसी हार्मोन की बॉडी में कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो हाइपोथैलेमस जो है वो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर निकालता है, वो फैक्टर जो है वो पिचूटरी ग्लैंड के पास जाता है और वहां से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालता है जो कि थायराइड ग्लैंड को जाके एक्टिवेट करता है। तो हाइपोथैलेमस ने इन तमाम ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को मॉनिटर करना है और इसको रेगुलेट करना है। सबसे पहले अब हमारे पास जो ग्लैंड आता है दैट इज पिचूटरी ग्लैंड। पिचूटरी ग्लैंड का जो दूसरा नाम है दैट इज हाइपोफाइसिस सेरेब्री। ये एक एमसीक्यूज है, इसकी ओवोइड शेप है, 0.5 ग्राम इसका वेट होता है, लेकिन ओवरऑल हम पिचूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस सेरेब्री कहते हैं, ये पहला एमसीक्यूज है। दूसरा, जिस स्टॉक के जरिए ये हाइपोथैलेमस के साथ एसोसिएटेड होता है, इस स्टॉक हम लोग इनफंडिबुलम का नाम देते हैं, ये भी एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के तीन लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब, मीडियन लोब और पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब जो होता है इसे हम लोग एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, पोस्टीरियर लोब को न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। दीज नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो नेम्स हैं अच्छे खासे इंपॉर्टेंट हैं, एमसीक्यूज में आपको बार बार पूछे जाते हैं। और जो एडिनो हाइपोफाइसिस है दैट इज द मास्टर ग्लैंड, क्योंकि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ने भी बाकी तमाम ग्लैंड्स को कंट्रोल करना है तो वो पोस्टीरियर लोब नहीं कंट्रोल करता, दरमियान में जो मीडियन लोब होता है वो कंट्रोल नहीं करता, बल्कि जो हमारा एंटीरियर लोब है, जो सामने वाला लोब होता है, वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो दिस इज द मास्टर ग्लैंड। अब एंटीरियर लोब के कुछ हॉर्मोन्स की अगर बात कर लीजिए, सबसे पहले हमारे पास आता है सोमेटोट्रोफिन हॉर्मोन। ये वो हॉर्मोन है जिसने हमारी बॉडी में ग्रोथ को कंट्रोल करना है, ग्रोथ को रेगुलेट करना है। ठीक है, तो सोमेटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर फ्रॉम हाइपोथैलेमस, वही वाली बात कि अगर हमारी बॉडी में सोमेटोट्रोफिन हार्मोन की मिकदार कम हो जाती है तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस सोमेटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर निकालेगा, वो आके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि तुम सोमेटोट्रोफिक हार्मोन बनाना स्टार्ट करो। तो सोमेटोट्रोफिन हार्मोन ने हमारी बॉडी में थोड़ी थ्रू आउट लाइफ सिक्रीट होना होता है, ग्रोथ को रेगुलेट करना है। और अगर एक इंसान की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, एक इंसान ने जितना ग्रो करना है, जितना उसकी बॉडी ने एक्सटेंड होना है, उसकी हाइट जितनी बढ़नी है बढ़ जाती है, तो ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है नॉर्मल फंक्शनिंग में। अगर एब नॉर्मल फंक्शनिंग की बात की जाए तो दो तरह से इसकी जो फंक्शनिंग है वो एबनॉर्मल होती है, एक्सेसिव प्रोडक्शन और लो प्रोडक्शन। एक्सेसिव प्रोडक्शन अगर जिंदगी में अर्ली स्टेजेस में स्टार्ट हो जाए तो एक इंसान जो होगा उसका कद बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, उसका फेस काफी बड़ा हो जाएगा, उसकी आवाज डीप होना शुरू हो जाएगी, इस कंडीशन को हम जाइगेंटिज्म कहते हैं। अगर इसकी एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है लेकिन अर्ली स्टेजेस में नहीं हो रही, जो 18, 19 साल, 20 साल, 22 साल तक एक इंसान की जो जो सोमेटोट्रोफिन हार्मोन की प्रोडक्शन है वो नॉर्मल थी, बाद में जाके इसकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गई है किसी भी जो मेटाबॉलिक डिफेक्ट की वजह से, किसी म्यूटेशन की वजह से, तो इस कंडीशन को हम लोग एक्रोमेगली कहेंगे। इस एक्रोमेगली में क्या होगा, इंसान की हाइट तो नहीं इंक्रीज करेगी लेकिन इंसान की जो चिन है ये बाहर की तरफ निकल आएगी, उसके आई रिजिज प्रोट्रूड कर जाएंगे, उसकी आवाज भारी हो जाएगी, डीप हो जाएगी, उसके हाथ और पांव काफी लंबे लंबे हो जाएंगे। और अगर इसकी लो प्रोडक्शन होती है अर्ली स्टेजेस में, लाइफ की अर्ली स्टेजेस में, तो इट कॉजेस ड्वार्फिज्म, जिसमें इंसान की जो ग्रोथ है वो नहीं होती सही तरह। तो हमारे पास आगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, हम पहले एक बार बात कर लेते हैं थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड ने ना दो हार्मोन प्रोड्यूस करने हैं, T3 एंड T4। अब ये जो हार्मोन है इन्होंने हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करना है, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। अगर इनकी जो कंसेंट्रेशन है वो बॉडी में कम हो जाती है, मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ जो हाइपोथैलेमस है उसने हर एक चीज को मॉनिटर और रेगुलेट करना है, तो अगर इसकी कंसेंट्रेशन बॉडी में होती है कम, हाइपोथैलेमस में से एक फैक्टर निकलेगा जिसे हम कहते हैं थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, TRF। TRF निकलेगा, TRF ने जाना है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास और इसको कहना है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाओ। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बन जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड में, जो कि भागा भागा जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास और इसको जाके दो काम करने के लिए कहेगा। पहला काम ये होगा कि थायराइड ग्लैंड के सेल्स को इंक्रीज करने,
दूसरा ये काम होगा कि थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को इंक्रीज करना है, ताकि ये जो दो हार्मोन हैं जिनकी डेफिशिएंसी हो रही है बॉडी में, ये दोनों हार्मोन्स जो है वो कंप्लीट हो सकें। जो लो लेवल्स ऑफ थायरोक्सिन है, T4 है, इंक्रीज लेवल ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड वाइस वर्सा, ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट होते रहेंगे। क्योंकि थायराइड ग्लैंड हाई परफॉर्मेंस दे रहा है, जो ज्यादा एक्टिविटी कर रहा है, तो फिर इस हार्मोन के प्रोड्यूस होने की कोई जो वजह नहीं बनती। ये सारी की सारी जिंदगी सिक्रीट होता रहता है, क्योंकि इसने हमारे मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना है। लेकिन जब हम रैपिड ग्रोथ के फेज में होते हैं, जो पीरियड्स ऑफ रैपिड ग्रोथ होते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं और वो जल्दी से बड़े हो रहे होते हैं, उस टाइम पे इसकी एक्टिविटी जो है वो काफी ज्यादा होती है। आगे हमारे पास ACTH हार्मोन आता है। ACTH एड्रीनो कोर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन, जो ट्रॉफिक हार्मोन होते हैं, बेसिकली दीज आर द हॉर्मोन्स प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड टू कंट्रोल अदर ग्लैंड्स। ठीक है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ने किसी दूसरे ग्लैंड को कंट्रोल करना है, तो वो जिन हॉर्मोन्स को सिक्रीट करेगा वो ट्रॉफिक हॉर्मोन कहलाते हैं। अब ये अगर आप हॉर्मोन का पूरा नाम देखते हैं, एड्रीनो कोर्टिको ट्रॉफिक हॉर्मोन, यानी कि एक ऐसा हॉर्मोन जो कि एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को जाके कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, कॉर्टेक्स की एक्टिविटी जो है वो कंट्रोल करवाएगा। क्योंकि हमारे पास जो एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं ना, इनमें दो पोर्शंस होते हैं, बाहर वाला कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेड्यूला, दोनों ने अलग अलग हॉर्मोन्स बनाने हैं। तो जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टिकल हॉर्मोन्स होते हैं, ये स्टीरॉयड हॉर्मोन बनाते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट स्टीरॉयड हॉर्मोन कॉर्टेक्स बना रहा होगा, कॉर्टिकॉइड हॉर्मोन जो बना रहा होगा, एल्डोस्टीरोन इसके अंदर आ जाता है, जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स बनाता है। तो स्टीरॉयड लेवल इन द ब्लड कंट्रोल कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, अगेन CRF, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर फ्रॉम हाइपोथैलेमस। जो स्टीरॉयड लेवल बनाने हैं इसने एड्रिनल ग्लैंड ने, अगर ये स्टीरॉयड लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, तो हाइपोथैलेमस जो होगा वो क्या करेगा, वो रिलीज करेगा CRF, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। वो कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आकर पिट्यूटरी ग्लैंड से एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हॉर्मोन जो है प्रोड्यूस करवाएगा, और वो हार्मोन आगे आकर एड्रिनल ग्लैंड से कहेगा कि तुमने अपना काम करना शुरू करना है, तो ऊपर से बॉस का प्रेशर आ रहा है, तुम ये काम करना स्टार्ट करो। तो डायरेक्ट नर्व स्टिमुलेशन बाय स्ट्रेस आल्सो प्लेज इट्स पार्ट। तब भी जब स्ट्रेस होती है, तब भी स्टीरॉयड लेवल जब इंक्रीज होता है, इसने एड्रिनल फंक्शंस को कंट्रोल करना है। और अगर इसकी प्रोडक्शन में कमी होती है, या इसकी जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होती है, तो ऑब्वियसली जो एड्रिनल फंक्शंस हैं दे विल बी डिस्टर्ब, इनमें डिस्टर्बेंस जो है वो आना शुरू हो जाएगी। गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन, अच्छा गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स को स्टडी करने से पहले ना हम लोग ये देख लेते हैं कि गोनेड्स क्या होते हैं। गोनेड्स जो हैं, दोज आर द स्ट्रक्चर्स जो कि गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म और एग को प्रोड्यूस करते हैं, मेल के अंदर टेस्टिस, फीमेल के अंदर ओवरीज, दीज आर द गोनेड्स। अब जो हमारे पास ऐसे ट्रॉफिक हार्मोन्स वही वाले हार्मोन्स हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करने के लिए, तो वो ट्रॉफिक हार्मोन्स जो कि जाके गोनेड्स को कंट्रोल करेंगे, गोनेड्स को रेगुलेट करेंगे, दे विल बी कॉल्ड गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन। इसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि फीमेल्स में यूज होता है फॉलिकल की डिवेलपमेंट के लिए, मेल में इसमें जर्मिनल एपिथीलियम की डिवेलपमेंट को कंट्रोल करने, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन, ये तीन, ये चार हमारे पास टोटल जो हार्मोन है ये आते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, इनका रिलीजिंग फैक्टर सेम होता है, ये दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होकर जाके डायरेक्ट ओवरी के ऊपर एक्ट करते हैं। जो प्रोलैक्टिन है, ये भी एक गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन है जो कि कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होता रहता है। इसका काम ये होता है कि इसने मिल्क प्रोडक्शन करवानी है फीमेल के अंदर, मैमरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करवाना है, इट स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन, और जब इस की जरूरत नहीं होती तो हाइपोथैलेमस जो है वो एक हार्मोन रिलीज करता है, एक फैक्टर रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, वो जाके प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन को रोकता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में भी हम लोगों ने रिप्रोडक्शन में काफी डिटेल में पढ़ना है कि इसने जो ओवरीज होती हैं, ओवरी में एक तो जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं उनको डिवेलप करवाना, उनको स्टिमुलेट करना है कि वो डिवेलप होना शुरू हो, उनके अंदर एग प्रोड्यूस हो। दूसरा, इसने ओवरी को फोर्स करना है कि वो एस्ट्रोजन बनाए। एस्ट्रोजन ने एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है उसको रेगुलेट करना होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्रूशल फेज होता है उसको मेंटेन करना है एस्ट्रोजन ने। मेल्स में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो जर्मिनल एपिथीलियम की डिवेलपमेंट में अपना रोल प्ले करता है। जर्मिनल एपिथीलियम टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो इनर लाइनिंग होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, उसे कहा जाता है। जर्मिनल एपिथीलियम की डिवेलपमेंट और उसकी डिवीजन के जरिए स्पर्म प्रोडक्शन होती है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने मेल में स्पर्म प्रोडक्शन को रेगुलेट करना है, फीमेल में उसने एग प्रोडक्शन को रेगुलेट करना है। उसके अलावा जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है,
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन ने अगर ओवरी के ऊपर एक्ट करके प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स की डेवलपमेंट को कंप्लीट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आकर एक्ट करेगा इस कंप्लीटली डिवेलप्ड फॉलिकल के ऊपर और इसको रप्चर करेगा। इस फिनोमिना को हम लोग नाम देते हैं ओव्यूलेशन का, और इसके नतीजे में जो एग है वो रिलीज होता है, बॉडी से बाहर निकलता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फिर इस रप्चर्ड फॉलिकल के ऊपर एक्ट करके इसको कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट करता है, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम बाद में प्रोजेस्टिरोन हार्मोन बनाने का काम करता है। और प्रोजेस्टिरोन हार्मोन ने एक तो प्लेसेंटा को स्टेब्लिश करवाना है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है अगर तो जो चाइल्ड है वो कंसीव हो जाता है, अदरवाइज इसकी प्रोडक्शन जो है वो भी डिमिनिश हो जाती है बाद में। जो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, अब बच्चे देखें इंटरस्टिशियल सेल होते कहाँ पर है। अगर एक टेस्टिस की बात की जाए, उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का एक अच्छा खासा नेटवर्क होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर तो स्पर्म प्रोड्यूस होने हैं, लेकिन उनके बाहर जो जगह है, ये वाली जो जगह होती है, इनके अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं, इन सेल्स को हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। और इन सेल्स का ये काम है कि इन्होंने टेस्टोस्टिरोन प्रोड्यूस करना है। तो जो इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन है, बेसिकली उसका नाम से जाहिर है कि वो इन इंटरस्टिशियल सेल्स के पास जाएगा, इनको स्टिम्युलेट करेगा कि वो टेस्टोस्टिरोन बनाना शुरू करें। अच्छा जी, तो मीडियल लोब की अगर हम बात करते हैं, मीडियल लोब जो है ना, इसने नॉर्मली बच्चों को ये चीज़ पता होती है कि सिर्फ एक हार्मोन प्रोड्यूस करना है, दैट इज मिलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये सिर्फ एक हार्मोन नहीं है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ हार्मोन। इसमें अल्फा मिलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन या डिफरेंट मिलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन होते हैं। जो एक्सटर्नल लाइट है या जो यूवी लाइट है वो इसकी सिक्रीशन को कंट्रोल करती है, उसके अलावा हाइपोथैलेमस भी इसकी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, उसको इनहिबिट कर सकते हैं। मेलानोसाइट बेसिकली वो सेल्स होते हैं जो कि एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, जिस प्रोटीन का नाम है मेलानिन। मेलानिन वो प्रोटीन है जो हमारी स्किन में ब्राउन कलर को प्रोड्यूस करती है। तो अगर किसी इंसान की स्किन में मेलानिन जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तो उसका कलर उतना ही ज्यादा ब्राउन या डार्क होता जाएगा। और मेलानिन इज यूज टू प्रोटेक्ट अवर स्किन अगेंस्ट अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो अगर किसी इंसान की स्किन में मेलानिन जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी, उसकी स्किन को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से काफी खतरा जो है वो होता है। और एडिसन्स डिजीज एक ऐसी डिजीज है जिसमें एक नॉर्मल इंसान की बॉडी में जो मेलानिन है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, तो उसका कलर जो है वो काफी ब्राउन हो जाता है। अगर पोस्टीरियर लोब की बात की जाए, पोस्टीरियर लोब डजंट प्रोड्यूस एनी हॉर्मोन्स ऑफ इट्स ओन, लेकिन पोस्टीरियर लोब ने कुछ हॉर्मोन्स को रिलीज करना है, ठीक है। हाइपोथैलेमस वो स्ट्रक्चर है जो कि कुछ न्यूरोसिक्रेटरी हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। वो न्यूरोसिक्रेटरी हॉर्मोन्स हैं वो आकर पोस्टीरियर लोब के अंदर स्टोर हो जाते हैं, और जब कभी भी सिग्नल स्टिमुलस आएगा हाइपोथैलेमस से, तो इनको यहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा, जो ब्लड है ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाल दिया जाएगा। दो हॉर्मोन हमारे पास आते हैं, एक एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन और दूसरा ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन। जो एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन है, इसी को हम लोग वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। जो वैसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन हमारे पास, इसका काम ये होता है कि इसने किडनी से जो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट से जाके वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाना है। ये जब भी यूरिन फॉर्मेशन होती है, उसमें अगर जो एक्स्ट्रा वाटर है वो चला जाता है, तो ये वाटर को रीअब्सॉर्ब करवा के वापस ब्लड में एंटर करवाएगा। तो जब कभी भी ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम या ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा, तो एडीएच रिलीज हो जाता है। ये किडनीज में जाता है, पानी को रीअब्सॉर्ब करके ब्लड में डाल देता है, ताकि ब्लड के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है, ब्लड प्रेशर है, उसको दोबारा से इंक्रीज किया जा सके। इसकी सिक्रीशन तब इन्हेंस होती है जब बॉडी के पास पानी कम हो। हम लोगों ने भी रिसेंटली रमजान में भी देखा था कि गर्मियों में ऐसा होता है, रमजान में हम लोगों ने रोजा रखा होता है, हम सारा दिन पानी नहीं पी रहे होते, और हमारी जो बॉडी है उसमें से पानी ड्रेन हो जाता है सारा। तो जो यूरिनेशन के दौरान यूरिन काफी कंसेंट्रेटेड होता है, उसमें से सारा का सारा पानी रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, ताकि बॉडी को बचाया जा सके। और अगर बॉडी में पानी की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर जाएगी, तो एडीएच की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर एडीएच प्रोड्यूस ना हो, इसकी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए, तो इट कॉजेज डायबिटीज इन स्पाइडर्स, जिसमें वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं किया जाता डायल्यूट अमाउंट में, डायल्यूट कंसंट्रेशन और लार्ज अमाउंट के अंदर यूरिनेशन होती है, और बार बार यूरिनेशन होती है, दैट इज डायबिटीज इन स्पाइडर्स। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है, ये हार्मोन नॉर्मली चाइल्ड बर्थ के दौरान जो है वो यूज होते हैं। इसने डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स के दौरान या प्रोजेस्टिरोन के डिक्रीज होने के दौरान इसका स्टिमुलस जो है वो आता है, और आकर ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाता है, ठीक है। इसका पहला एक्शन ये होता है कि जो यूट्रस की दीवारों में स्मूथ मसल्स मौजूद हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवाना,
दैट इज कॉल्ड द लेबर पेन्स। जो लेबर पेन्स होती हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, वो बेसिकली ऑक्सीटोसिन ने करवानी है। और ये वो वाहिद हार्मोन है जो कि पॉजिटिव फीडबैक पे चलता है। जितनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगी, उतनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन मजीद करवाएगा। तो ये पॉजिटिव फीडबैक पे चल रहा होता है। और इसने मेमरी ग्लैंड से मिल्क इजैक्युलेशन को भी कॉज करना है, और ये भी इसने पॉजिटिव फीडबैक पे करवाना है। क्योंकि जितना फीटस, या जितना फीटस तो खैर नहीं, बेबी जितना ज्यादा सकलिंग करेगा, उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क इजैक्युलेट करवाएगा मेमरी ग्लैंड से, उसको खत्म नहीं कर देगा। तो ये दोनों जो काम है इसने पॉजिटिव फीडबैक पर करने होते हैं। अब कुछ एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। व्हेन सिक्रीशन ऑफ एडीएच इज इंक्रीज्ड, द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब। अब एडीएच का काम ये है कि उसने पानी को रीअब्सॉर्ब करवाना है, तो अगर ये इंक्रीज होगा तो ये वाला काम भी इंक्रीज होगा, इट विल बी इंक्रीज्ड। पिचुटरी ग्लैंड रिलीजेस डैश हार्मोन एंड डैश हार्मोन व्हाइल ओवरीज प्रोड्यूस डैश एंड प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पे बेसिकली ओवरीज के साथ पिचुटरी ग्लैंड के अगर रिलेशनशिप की बात की जाए, पिचुटरी ग्लैंड सबसे पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि ओवरी से एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। और एस्ट्रोजन के प्रोड्यूस होने के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करते हैं, और फिर जो ओवरी है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हार्मोन सीक्रेट करने, ओवरी ने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाना है। इन मेल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन कहा जाता है उसको, जो कि टेस्टोस्टिरोन को स्टिम्युलेट कर की प्रोडक्शन को स्टिम्युलेट करवाता है। इट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। द पिचुटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, अच्छा पिचुटरी ग्लैंड का एक और हम लोग ने नाम देखा था जो एडीनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये पिचुटरी ग्लैंड के एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब का नाम है। ओवरऑल पिट्यूटरी ग्लैंड का जो नाम है दैट इज हाइपोफाइसिस सेरेब्री। टर्म मास्टर ग्लैंड इज यूज्ड फॉर, जो एडिनो हाइपोफाइसिस है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब होता है, उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि इसने ट्रॉफिक हॉर्मोन्स रिलीज करने हैं। और ट्रॉफिक हॉर्मोन्स वो हॉर्मोन्स होते हैं जो कि एक ग्लैंड से रिलीज होकर दूसरे ग्लैंड की सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीजिंग फैक्टर्स एक्सेप्ट, हमारे पास सारे के सारे रिलीजिंग फैक्टर्स हैं, जैसे कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर है, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर है, सोमेटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर है, सिर्फ ये है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग फैक्टर। तो बेसिकली उसके नाम के अंदर आई जो है वो इनहिबिशन को शो कर रहा है। दिस विल बी दी आंसर। हाई लेवल ऑफ मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कैन बी सीन इन ऑल एक्सेप्ट, अच्छा कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनमें मिलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। एडिसन्स डिजीज का तो हम लोगों ने पढ़ा। प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग वैसे भी देखते हैं कि जो फीमेल है उनकी स्किन के ऊपर स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, डार्कली कलर स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो प्रेगनेंसी के अंदर भी जो मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन है वो इंक्रीज होता है। स्ट्रॉन्ग सनलाइट एक्सपोजर इज द प्राइमरी स्टिमुलस ऑफ मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, तो ये इसमें तो वो इंक्रीज होगा ही होगा, कुशिंग्स डिजीज के अंदर वो इंक्रीज नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रॉपिक हॉर्मोन, ठीक है। अब देखें थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन डायरेक्टली जाकर उसको कंट्रोल कर रहे हैं, एड्रिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हॉर्मोन डायरेक्टली जाकर दूसरे ग्लैंड को कंट्रोल कर रहे हैं, जो गोनेडोट्रॉफिक हॉर्मोन है ये डायरेक्टली जाकर गोनेड्स को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन एंटाई डायूरेटिक हॉर्मोन ने सिर्फ अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, ये कोई ट्रॉपिक हॉर्मोन नहीं है। पिचुटरी ग्लैंड इज अटैच टू हाइपोथैलेमस बाय, अब पिचुटरी स्टॉक जो होती है जिसके जरिए पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है, उसे हम लोग इनफंडिबुलम का नाम देते हैं। हम लोगों ने पहली या दूसरी स्लाइड में देखा था। व्हाट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ यूरिन एंड ग्रेट थर्स्ट, जो यूरिन की प्रोडक्शन जब लार्ज क्वांटिटीज में हो रही हो तो बेसिकली थर्स्ट उतनी ही ज्यादा होगी। इसको इसका जो ऑपोजिट हम लोगों ने भी देखा था एडीएच, एडीएच रिलीज होता है तो यूरिन कम रिलीज होता है, कम प्रोड्यूस होता है। अगर एडीएच रिलीज नहीं होगा तो वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा किडनीज में और यूरिन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। तो लैक ऑफ एडीएच विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म करेक्टली डिपिक्ट्स द टर्म न्यूरोसिक्रेटरी हार्मोन, न्यूरोसिक्रेटरी हार्मोन यानी कि न्यूरॉन्स या हमारे ब्रेन का कोई पार्ट कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करे, वो वाले कौन से हार्मोन्स हैं। हम लोगों को पता है कि हाइपोथैलेमस ने दो हार्मोन्स सिक्रीट करने हैं, वो जो दो हार्मोन्स हैं वो जाके पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब में स्टोर हो जाते हैं और वहां से रिलीज होते हैं। वो एडिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन नहीं है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन नहीं है, थायरो स्टिम्युलेटिंग हार्मोन नहीं है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन या एडीएच है। तो दिस विल बी द आंसर।